हाय गाइस, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, जिसका मुझे इंतजार हो रहा है रिवर फ्रंट फुट ओवर ब्रिज देखने के लिए, सिंपली बहुत ही ज्यादा हमने कोशिश की कि पहले तीन दिन में, पर बहुत ही ज्यादा भीड़ के कारण हम नहीं आ पाए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो तीन चार दिन और बढ़ गए और जाके अब हम आ ही गए लास्ट में फुट ओवर ब्रिज। पूरा का पूरा हम आपको कवर करवाएंगे तो फुट ओवर ब्रिज कैसा है। तो गाइस, यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपीज पूछे मैं और मेरे एक दोस्त आया है आशीष, उनका भी चैनल है, उनका भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन वॉल पे जरूर कर देना। उनका चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस, चलो चलते हैं आगे, देखते हैं पूरा का पूरा पीछे कितना बढ़िया है। सो गाइस, चलो चलते गाइस अंदर और देखते हैं क्या कुछ नया फुट ओवर ब्रिज में। इसमें हम आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास भी दिखाएंगे गाइस। गाइस देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है, कितनी ज्यादा पब्लिक यहाँ पे आई है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लोग आए हैं। गाइस, हम पूरा व्यू दिखाएंगे अंदर, ऊपर जाके ट्रांसपेरेंट ग्लास भी आपको दिखाएंगे कि कैसा ट्रांसपेरेंट ग्लास। सो चलो चलते हैं गाइस अंदर, देखते हो ये आप दोनों तरफ से आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो और लाल दरवाजा के साइड ओल्ड सिटी के तरफ रहते हो तो लाल दरवाजा की तरफ आ सकते हो। ये इनकम टैक्स का एरिया यानी कि नवरम चौक की तरफ से भी, पालड़ी की तरफ से आप ये गेट आ सकते हो। तो चलो चलते हैं। सामने के वो फुट ओवर ब्रिज का ही असम लुक लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम विदेश में कोई अदर कंट्री में, एक कोई दूसरे स्टेट या दूसरे राज्य में, पर नहीं गाइस, ये हमारा अहमदाबाद है। अहमदाबाद में ऐसे ब्रिज बना है। पिछले 2-3 सालों से इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, पर आखिर में ये बना है तो बहुत ही लाजवाब यहाँ पे ये ब्रिज बना है। गाइस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें लगभग 74 करोड़ के लागत से ये पुल बनाया गया है। सो गाइस, देख सकते हो 42 करोड़ रुपये तो इन्होंने 7 दिन में ही वसूल कर दिए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे ये ब्रिज देखने के लिए। और पहले 3 दिन तो फ्री था, पर दूसरे 3 दिन में इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है ये ब्रिज का, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक आने लगी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है ये ब्रिज लोगों को। सो गाइस, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सभी क्लास के लोग यहाँ पे आने का यहाँ पे आकर्षण हो गया है। गाइस, यहाँ पे बीच बीच में ट्रांसपेरेंट ग्लास भी हम आपको दिखाएंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास कैसा है। सो गाइस, देखते हैं आगे, चलो चलते हैं गाइस। I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never got to waste it in the bathroom of your parents' house. Now you kiss me. वक्त बिताने के लिए एक जगह बन गया है गाइस। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फूड कॉर्नर आ गया है, इसके आगे है ट्रांसपेरेंट ग्लास। हम स्पेशली आपके लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास का व्यू लेके आए हैं। यहाँ पे जो नीचे का रिवर है वो पूरा दिखेगा यहाँ पे। We'll be right back.
senses that you can confess. I'm just so guys, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है गाइस पूरा ब्रिज घूमने में, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास पे देख सकते हो पीछे कितनी इंजॉयमेंट हो रही है लोगों की। कैसा लग रहा है आशीष भाई यहाँ पे आके? तो बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों, आप भी आ सकते हो ग्लास का देख सकते हो, तो बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों। पहली बार अपने भारत के अंदर बहुत खतरनाक ब्रिज बना है, सब कमेंट करना आपको कैसे लग रहा है दोस्तों, आप भी आ सकते हो दोस्तों। आप अहमदाबाद गुजरात के अंदर रहते हो दोस्तों, अभी आप भी आना दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। सो गाइस, बहुत ही बड़ा आकर्षण का एक केंद्र बन गया है अभी अहमदाबाद में, क्योंकि हाल ही में ही शुरू हुआ है, 3-7-8 डे हुए, पूरे पहले के 3 डे जब थे वो फ्री थे, तब तो यहाँ पे ये पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी ज्यादा भीड़ होती थी गाइस। पर अभी थोड़ा बहुत कम है और टिकट्स वगैरह स्टार्ट हो गए, 30 रुपए टिकट्स, यानी कि सीनियर सिटीजन की लगभग 12 रुपए है, 15 रुपए है, और छोटे बच्चे के भी 15 रुपए ही है। हमने इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया, हम 12 साल के ऊपर के, यानी कि हमने 30-30 रुपीज यहाँ पे अंदर आने के पे किए, और फ्लावर शो देखने के अलग से चार्ज था उसका 40-40, पर रात को फ्लावर शो नहीं होता था इसलिए हमने नहीं देखा। सो गाइस आगे बढ़ते और आगे चलते और क्या कुछ होता है, सो चलो up all night by myself, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. 'Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me solo? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. हाय, होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, हमने पूरा का पूरा यहाँ पे ये ब्रिज कवर करवा दिया है आपको, एक्स वाई जेड सभी इंफॉर्मेशन दे दिया है आपको, कि एक दो दोस्तों में जरूर शेयर करना। स्पेशली हम अपने आपके लिए इतने दूर आके इसलिए आए क्योंकि आप ये व्यू देख सकते, पूरा का पूरा ब्रिज का व्यू लाइटिंग के जरिए देख सकते कि कितना ऑसम, कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस। इसके लिए हम इतना चल के, बहुत ज़्यादा चल के हम आपके लिए आए, इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ पार करके हम स्पेशली ये व्यू दिखाने के लिए आए। सो गाइस, ये व्यू आपको सिर्फ हमारे ही चैनल पे देखने को मिला होगा, तो मिला है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, तब तक ले बाय गाइस।